नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, आरजेडी के मुखिया व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लगातार डॉक्टरों की देखरेख में हैं और उनका हर महीने जो है वो रूटीन चेकअप होता है। इस वजह से लालू यादव दिल्ली पहुंचे हैं। और आपको मालूम है, लालू यादव यादवों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। जब भी ये सवाल उठता है कि यादवों का नेता कौन, तो साफ तौर पर जवाब मिलता है लालू प्रसाद यादव। और ऐसे में लालू यादव से तमाम अलग अलग दलों के नेता मुलाकात करते हैं। इस बीच भोजपुरी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता व उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मुलाकात किया है लालू प्रसाद यादव से। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली स्थित लालू प्रसाद यादव के आवास पर निरहुआ ने मुलाकात किया है। इस मुलाकात के दौरान बातें हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आपको मालूम है, भले ही निरहुआ की पार्टी अलग है, लेकिन जैसे ही निरहुआ पहुंचे लालू यादव के पास, पैर छूकर लालू यादव का आशीर्वाद लिया है। ऐसे में चर्चा भी तो अब होगी, सवाल तो उठेंगे कि क्या निरहुआ 2024 के चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं, क्या लालू प्रसाद यादव को अपना राजनीतिक गुरु मान सकते हैं, 2024 के चुनावी मैदान में लालू यादव के रणनीति पर चुनाव लड़ सकते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये सब सवाल उठेंगे, उठना लाजमी है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यादव कुल के ये दो लोग हैं। पहले तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। देश में बीजेपी के खिलाफ बगावत के झंडे उठाने वालों में सबसे पहला नाम लालू प्रसाद यादव का है। बड़े नेता हैं विपक्षी दलों के और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और फिलहाल इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सत्ता पर काबिज है, बिहार की सत्तारूढ़ दल है। और निरहुआ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं, जहां से अखिलेश यादव कभी सांसद बने। हालांकि उन्होंने विधानसभा के चुनाव में तय किया कि योगी का मुकाबला करेंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपचुनाव हुए तो निरहुआ सांसद बन गए। लेकिन सामने 24 की लड़ाई है, 24 की लड़ाई। निरहुआ आखिरकार क्या लड़ेंगे बीजेपी के साथ या फिर लालू यादव के रणनीति पर? अचानक हुए इस मुलाकात के बीच की तस्वीर जो आई है, वो तस्वीर अब सवाल खड़ा करती है। भोजपुरी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता भी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, कई सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी है। जब ये राजनीति में आए, उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि निरहुआ अब रहेंगे या फिर नहीं। लेकिन लगातार निरहुआ ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में की है। उन्होंने लिखा है, निरहुआ ने तस्वीर साझा करते हुए, आज भोजपुरिया समाज के अभिभावक राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद लेवे के साथ वहाँ के स्वास्थ्य लाभ के जानकारी लेवे के भइल। माननीय लालू जी के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमनी के पहला मुलाकात रहल है। आदरणीय लालू जी के एगो अभिभावक के रूप में हमरा के हमेशा प्रोत्साहन मिलल बा। हमनी भोजपुरी के लेके खूब चर्चा कैली। देखिए, निरहुआ और लालू यादव की मुलाकात हुई है। निरहुआ ने लालू प्रसाद यादव को अभिभावक बताया है, मार्गदर्शक बताया है और ये भी कहा है कि भोजपुरी के लेके खूब बात भइल। भोजपुरी भाषा में निरहुआ ने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव जी से पहला मुलाकात है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। बहरहाल आगे क्या होता है, सियासत में कोई नहीं जानता कब किसके साथ कौन हो जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।